अमेठी में दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जो सुन रहा है हिल जा रहा है, गुस्से से फायर हो जा रहा है। क्या आखिर इतने कैसे बेखौफ हो सकते हैं बदमाश कि बेखौफ बेधड़क घर में घुसकर गोलियों की बारिश कैसे कर दी गई, कैसे पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया, कि कैसे यहाँ एक झटके में एक टीचर को पत्नी बच्चों समेत मौत के घाट उतार दिया गया। जिस घर में दो प्यारी प्यारी बेटियों की चहचहाहट थी, हंसता खेलता परिवार था, वहाँ बदमाशों ने मौत का खुला खेल कैसे कर दिया कि कैसे मासूमों को देखकर भी बदमाशों के हाथ ना कांपे। वारदात से मानो पूरा सूबा ही गया है। तो दलित टीचर के साथ जो हुआ उससे बसपा सुप्रीमो मायावती भी फायर हो गई है। सुबह सुबह मायावती ने सीधे सरकार को घेर लिया, सीधे सीधे दो टूक शब्दों में कह दिया कि कदम उठाए सरकार वरना। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के चार लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अति दुखद व चिंताजनक। सरकार दोषियों व वहां के पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ न रहे। तो मायावती ने दोषियों बदमाशों के साथ साथ पुलिस वालों पर भी एक्शन की मांग कर दी है। दरअसल दहला देने वाली ये घटना अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे की है, जहां दलित समाज से आने वाले सुनील भारतीय अपनी पत्नी पूनम भारतीय के साथ रहते थे। सुनील सिंहपुर ब्लॉक के पन्होना कंपोजिट स्कूल में तैनात थे। बताया जा रहा है कि सुनील 2020 में यूपी पुलिस की नौकरी छोड़कर शिक्षक बने थे। अब जिस तरह से सुनील भारतीय के पूरे परिवार के साथ बड़ी बेरहमी से ये घटना सामने आई, हत्या कर दी गई, उससे अमेठी से लेकर रायबरेली तक हर कोई स्तब्ध है। वारदात के बाद मानो पूरा इलाका हिला हुआ है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का जमावड़ा लगने लग गया। बकौल पुलिस 18 अगस्त को सुनील भारती और उनकी पत्नी की ओर से चंदन वर्मा नाम के शख्स के खिलाफ रायबरेली में छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाया गया था। अब पुलिस इस एंगल से भी मामले की तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि आज सुबह शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद सुनील के गृह जनपद रायबरेली के लिए रवाना किया गया, जहां पर मातम पसरा हुआ है। देखिए, थाना शिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके दो बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहां पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से, क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी के, और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।